सर्कस एक ऐसी जगह थी जिसके साथ हम सभी के बचपन की यादें जुड़ी हुई है, लेकिन आजकल सर्कस के नाम पर वन्य जीवों की जीन बुरी हालत में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है, उसे देख दिल रो पड़ता है। आज वन्य जीव कानून सख्त होने के बाद भी ग्रेट भारत सर्कस इन सभी नियमों का उल्लंघन करते पाए गए हैं। ये सर्कस नवी मुंबई खांडेश्वर रेलवे स्टेशन के पास चल रहा है। इस सर्कस में खेल दिखाने वाले सभी 23 जानवरों को बड़ी बदतर हालत में रखा गया है। इसकी खबर मिलते ही भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के मानद जिला पशु कल्याण अधिकारी सुनीश कुंजू और पीईटीए संस्था के सहयोगी संचालक निकुंज शर्मा ने स्थानीय तहसीलदार समेत सर्कस की जांच की है। मौके पर उन्हें 2 ऊंट 2 घोड़े 17 कुत्ते और 2 ईमू नामक पक्षी नजर आए, जिन्हें बड़ी ही बदतर स्थिति में रखा गया था। ऊंट के शरीर पर कई गहरे घाव भी नजर आए तो कुत्तों के पिंजरे में ठीक से चलने तक की जगह नहीं थी। सभी जानवरों के घाव पर मक्खियां बैठ रही थी और उनके शरीर से बदबू भी आ रही थी। वहीं एक पिंजरे में कुत्ते के 2 नवजात शिशु अपने मां समेत लोहे के पिंजरे में बंद थे। सर्कस के व्यवस्थापक राधा मोहन पिल्ले से पूछताछ में पता चला कि उनके पास इन जानवरों को रखने और खेल दिखाने का कोई लाइसेंस नहीं था। इतना ही नहीं, इनकी ग्रेट भारत सर्कस चलाने का लाइसेंस द ग्रेट गोल्डन सर्कस के नाम है। ग्रेट भारत सर्कस जो पनवेल में कैंप किया था उनके ऊपर हमने FIR दर्ज किया है। इन्होंने बिना एनिमल वेलफेयर बोर्ड का परफॉर्मिंग एनिमल रूल के नीचे रजिस्ट्रेशन बिना किए एनिमल्स को परफॉर्म करा रहे थे, और उसके अलावा जो जानवर जो यूज कर रहे थे वो जख्मी भी थे। उसके बेस में हमने कामोटे पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज किया। इसके ऊपर का तकरार पीटा इंडिया करके जो प्राणी मित्र संगठन है उन्होंने दिया था एनिमल वेलफेयर बोर्ड को।